मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग में दोपहर तो के साढ़े तीन बज रहे गुड आफ्टरनून काफी लोग जॉब पे भी होंगे और काफी लोग जॉब पे होते हुए भी टाइम मैनेज करके इसके ऊपर आए और काफी लोग अपने अपने टीम्स में लोगों को लेकर के तो गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होती है इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग क्यों होती है पहले इसका महत्व समझते कोई भी कॉपरेट में बोलो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बोलो जब आप काम करते हो तो उसके प्रिंसिपल्स उसका बैकग्राउंड या फिर वो एक्चुअली फंक्शन किस कार्डिनल रूल्स पे करता है या क्या करता है ये पता होना बहुत जरूरी है जैसे आई टेक यू बैक टू माई स्टोरी जब मैं रिलायंस में जॉब करता था वहां पर एक साल हमको जी का आ जाता था यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एक साल की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि हम समझ पाए कि क्या कंपनी का विजन है क्या कंपनी का मिशन है कैसे कंपनी ऑपरेट करता है और कंपनी वास्तव में है क्या तो उसी तरह इंडक्शन ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है ताकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है या वो क्या चीज के लिए स्टैंड करता है उसके बारे में हमको सही से जानकारी रहे क्योंकि कभी भी आप जब मार्केट में जाते हो हो सकता है कोई व्यक्ति आपको इसके बारे में सही बताए या हो सकता है कोई व्यक्ति इसके बारे में आपको गलत बताए लेकिन आपको यदि पता नहीं है इसके बारे में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो और कंफ्यूज होने के चलते आपका जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं लिमिट होता है या फिर रिस्ट्रिक्ट होता है तो वो कन्फ्यूजन ना रहे इसीलिए ये इंडक्शन ट्रेनिंग है तो बड़े ध्यान से सुनिए गए इस ट्रेनिंग को पहले बात तो हम स्टार्ट करेंगे कि आई है क्या तो दोस्तों आई कुछ नहीं है आई एक एजुकेशनल कंपनी है

आपके लिए क्रिएट करे जो कि ऑन गोइंग एजुकेशन है ऐसा नहीं कि एक बार एजुकेशन ले चाहे डिसिप्लिन के, के माध्यम में बोलो या अपने आप को कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी दे सकते हो या फिर स्पिरिचुअल जो भी पिलर में आप बैलेंस फाइंड करके अपने को सही रास्ते पे हो या नहीं हो ये कॉन्फिगर कर सकते दूसरा फाइनेंशियल डेवलपमेंट की जब हम बात करते दोस्तों फाइनेंशियल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं हम आपको अगेन एजुकेट करते वो सारे बड़े मार्केट्स के बारे में, जिसके बारे में में जिसके ज्यादा लोगों को पता नहीं है अभी कुछ लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि ये जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं इसके बारे में तो काफी कम लोग को पता है किसी को पता ही नहीं अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है गूगल 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 क्यों बना क्योंकि उसके बारे में सबको तब पता था जब वो शुरू हुआ था या उसको किसी को भी पता नहीं था उसके बारे में क्या फंक्शनैलिटी इसलिए वो गूगल बना जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं था और एक तरह की मोनोपाली थी उसके पास एक ऐसा फंक्शनैलिटी था जो मार्केट में पाइनअर था या फिर मार्केट में काफी कम लोगों के पास था लेकिन उसके पास वो बिजनेस स्ट्रेटेजी थी वो ब्लू था कि वो मार्केट में अपने आप को एक्सपोनशियली स्प्रेड आउट कर पाए तो मूविंग फॉरवर्ड उसी तरह ये फाइनेंशियल मार्केट भी वैसे ही है दोस्तों हमारा इंटेंट ये है कि आप जैसे लोग आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं इंडिपेंडेंटली इन मेजर फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए बिना किसी का आसरा लेते हुए मैं रिपीट करना चाहूंगा आइस का उद्देश्य ये है जो चीज किसी को नहीं पता उसके बारे में लोगों को जानकारी देना लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना ताकि इन मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स में वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर पाए अब एजुकेशन कैसे देता है अगेन जैसे मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी बताया उसी तरह हमारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट में भी काफी मॉड्यूल्स है जैसे मैं ऐप स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहूंगा कैसा है क्या है थोड़ा सा एकेडमी में भी कुछ लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा ये अपना आई का ऐप है दोस्तों आई एक्स के ऐप में यदि आप देखोगे तो जैसे मैं कह रहा था एकेडमी है तो ये एकेडमी जैसे आप देख सकते हो होम के लेफ्ट साइड में एकेडमी में आपने क्लिक करना है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो आपने दो प्रोडक्ट है तो फाइनेंशियल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारा कंटेंट है कंटेंट में बाइनरी भी है फॉरेक्स भी है ये इंग्लिश वाला है अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में कोई आपका मार्केट वाला ज्वाइन हुआ है तो वो सीखे तो उसको ये सारी चीजें एजुकेट करनी है आपको और आपको पहले अपने आप को एजुकेट होना है कि अगर मुझे हिंदी नहीं समझ आती और इंग्लिश वाला कंटेंट चाहिए तो इसमें ऑलरेडी वो प्रीलोडेड है सेम बाइनरी के लिए और ये हिंदी वाला है यहाँ लिखा हुआ है देखो हिंदी फॉर एक्स बेसिक कोर्स तो इसमें भी जैसा खोलते हो आप काफी सारी चीजें मतलब अपलोडेड इसमें है आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जब आ, हम इसकी बात कर चुके एकेड़मी की एकेड़मी में तो content है ही उसके अलावा हमारे लाइव सेशन होते हैं जो education हम करते हैं वो live session के माध्यम में होता है live session, दोस्तों इसमें आप सोचोगे मैं आ गया एक वीक का लाइव सेशन बैठ गया तो मैं एजुकेट हो जाऊंगा बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है अगर आप ये सोच के आए हो आए में लाइव सेशन में जो सारा कंटेंट होता है वो व्यक्ति खुद ग्यारह साल से पढ़ रहा है और उनको भी डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है क्योंकि मार्केट जो होती है वो काफी चीजों पे चलती है आप टेक्निकल और फंडामेंटल एक बार समझ लोगे लेकिन सेंटिमेंटल होती है जो न्यूज के ऊपर आधारित है तो न्यूज को प्रेडिक्ट करना और न्यूज का कौन से कौन से पैर पे क्या क्या इम्पेक्ट होना वो बताना वो सीखना वो कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है इसीलिए कहते हैं हम हमारा सब्सक्रिप्शन है एजुकेशन का जो मंथ ऑन मंथ आपको लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपर्ट जो है उसको भी मंथ ऑन मंथ रिसर्च करना पड़ता है और वो अपनी एनालिसिस करके आपके सामने लाइव एजुकेशन देता है एक ऑलरेडी प्रीलोडेड अकेडमी बना ली जिसमें बेसिक का एजुकेशन है प्लस हम आपको देते अलर्ट्स अलर्ट्स क्यों देते हैं हम अलर्ट इसीलिए देते हैं क्योंकि सीखते सीखते आप प्रॉफिटेबल हो सको ज्यादातर लोग जिन्होंने फ़ॉरेक्स मार्केट में काम करना शुरू किया है तो जैसे आप मान के चलो 2012 से है 2011 से उन्होंने दो तीन साल तो पैसा ही नहीं बनाया लेकिन यहाँ पर आप वीक टू वीक वन डे टू या फिर मंथ टू प्रॉफिटेबल हो ही सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कमिटमेंट टू लर्न एंड टू कमिट टू सिस्टम टली आप पैसा बना सकते हैं क्योंकि एजुकेशन तो आपको बेसिक्स का मिल ही रहा है एक जो है एक्सपर्ट जो है आपको वो ट्रेन कर रहा है मार्केट के बारे में लाइव सेशन के माध्यम से उसके अलावा आपको अलर्ट्स मिल रहे कि वो एनालिसिस के आधार पर और उन बेसिक्स के आधार पर इन अलर्ट्स को यदि आप सही से यूज करें तो डेफिनेटली आप काफी ज्यादा पैसा बना सकते हो तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इसी तरह काम करता है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में भी इसी तरह काम करता है ये मैं आपको इसीलिए डीपली समझा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हम जो है अलर्ट्स का पैसा नहीं देते कंपनी को या कोई कमिटमेंट यहाँ पर है नहीं कि आप प्रॉफिट में इतना रहोगे ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे मुझे अलर्ट भेज दो मैं फ्री में देखता हूँ मेरे को डेमो करना है दोस्तों अगेन सवाल आपसे है डेमो करके वो कंपनी को जस्टिफाई करने के लिए क्या वो एक्सपर्ट है या कंपनी के जो लोग दे रहे वो एक्सपर्ट है डेफिनेटली वो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में तो जो बेसिक्स है उसके एजुकेशन के बिना अलर्ट्स अच्छा हो या बुरा हो वो टेस्ट या वो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता इसीलिए कंपनी कहती है आप एजुकेशन पहले लो पेपर ट्रेडिंग यानी डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करो उसके बाद जो है अपने रियल मनी से ट्रेड करो और लोगों को रिकमेंड करो तो कहीं ना कहीं यही जस्टिफाई करता है कंपनी कितनी ऑथेंटिक है कितनी जेन्यून है और हमारे रिजल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हम दिखाते हैं पिप्स में कितना रिजल्ट बन रहा है वो रिजल्ट देख के आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट का कितना पावर है चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हो उसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ देख ही सकते हो कितना हमारे जूम पे नंबर्स बढ़ रहे और बाकी सारी चीजें जिसमें आप लोग भी भागीदार होने वाले हो या फिर आप एज अ यूजर भी इसका लेवरेज उठा सकते हो बताने का मतलब इसीलिए था क्योंकि कुछ लोग कमिट कर देते डेली बेसिस पे आप इतना पैसा बनाओगे बना सकते हो गलत नहीं बोल रहा हो लेकिन डे वन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा बेसिक सीखने के बाद आप कितना मनी रिस्क कर सकते हो वो देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना फाइनेंस को प्लान कर सकते हो मूविंग फॉरवर्ड अगेन जैसे हम कहते हैं आईएक्स आईएक्स दोस्तों कोई ब्रोकर नहीं है इस चीज को ध्यान से समझेगा इसके ऊपर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ आई कोई ब्रोकर नहीं है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है कुछ लोग ऐसे सवाल आपको करेंगे कि सेबी का लाइसेंस है क्या सेबी अप्रूव है क्या अरे तो फिर नहीं करना अब ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से होता है ऐसे सारे ऑब्जेक्शन लेकिन क्योंकि आप एक इंटीग्रल पार्ट हो इस फैमिली का मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन आप तक पास हो सेबी होता क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया तो ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है दोस्तों ये होता है ब्रोकर्स के लिए अब हम एक ब्रोकर है क्या बिल्कुल नहीं हम बस एजुकेटर है हम क्या चीज का पैसा लेते हैं यदि आप एक नए व्यक्ति हो नए कस्टमर हो नए डिस्ट्रीब्यूटर हो या नेटवर्कर हो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो आई एक्स अपॉर्चुनिटी में तो यदि आप एक लाख रुपए दस लाख रुपए एक करोड़ रुपए दस हजार रुपया जो भी रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो आई के पास करते हो क्या बिल्कुल नहीं करते आप वो करते हो ब्रोकर के पास तो आई सिर्फ आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है वो मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए जो राइट right एजुकेशन आपको चाहिए उसके लिए तो कहीं ना कहीं आई एक्स इज एन एजुकेटर जो कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यूज लेटर एक्ट होता है उसके अंडर तहत जस्टिफाइड है कि ये करना लीगल है इंडिया में उजेंड परसेंट लीगल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं अगर कोई सो uh, सोकॉल्ड so हमारा जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स होते जो सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर मानते और अपनी राय देते तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है मुझे अपना एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे वो सुपर स्मार्ट फ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऊपर है उससे राय लेनी है या फिर जो सच में वाकई में ऊपर है वर्चुअली नहीं रियली उससे राय लेनी है उसके लिए मेरे पास एजुकेशन होना बहुत जरूरी है जिसके लिए गेटिंग स्टार्ट ट्रेनिंग जो है आई के बारे में वो लेते हैं तो सेबी का जरूरत ब्रोकर के लिए होता है ब्रोकर कौन है कोई भी हो सकता है कोई भी चूज कर सकते हो हम रिकमेंड टीपी ग्लोबल कर सकते हो करते हैं बाकी चॉइस आपका है टीपी ग्लोबल हम क्यों रिकमेंड करते हैं सिंपल सा लॉजिक ये है क्योंकि हमारे काफी ज्यादा कस्टमर्स उसमें हैं और रीड एक ही ब्रोकर पे रहने से हमारे रीडिंग सेम रहते हैं आपको हम इजीली हेल्प आउट कर सकते कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल रिलेटेड इश्यू से या फिर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो लेकिन इन दी एंड इट इज योर चॉइस कोई हमारा ऑब्लिगेशन या टाइप एस सच नहीं है दोस्तों सो वी आर जस्ट एन एजुकेशन कंपनी सेबी का हमको जरूरत नहीं है सेबी ब्रोकर्स के लिए होता है ब्रोकर्स भी जो इंडियन एक्सचेंज के अंडर रजिस्टर है उनके लिए होता है और इंडियन एक्सचेंज के अंडर काफी लिमिटेशन है तो वो वाले छोटे या कन्फाइंड ब्रोकर्स में हम काम नहीं कर रहे हम ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं यहाँ पे यू के रजिस्टर्ड ब्रोकर वगैरह है उसमें वी आर वर्किंग दूसरा हमारे सर्विसेस एक एजुकेशन है और एक क्या हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों टूल्स जो आपके फाइनेंस को अगेन एग्रीवेट कर पाए टूल्स क्या है ऑटोमेशन ऑटोमेशन में भी दोस्तों आप यदि किसी को कुछ कमिट कर रहे हो तो यह आपकी गलती है मैं आपको इस कॉल के माध्यम से मैसेज देना चाहता ऑटोमेशन में पिछले एक साल में पांच परसेंट से लेकर के अठारह परसेंट महीने का रिटर्न आया है कभी पांच आया कभी बारह आया है कभी सत्रह आया है कभी अठारह आया ऑन एन एवरेज आप पकड़ लो दस से बारह टक्का आया था लास्ट ईयर में जिसके चलते एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया आप देख सकते हो दस हजार डॉलर का अकाउंट जो है वो लगभग थर्टी एट थाउजेंडी तीन सौ अस्सी रिटर्न यानी कि दस परसेंट से ऊपर ही मंथली रिटर्न आया है कंपाउंडिंग करोगे दस परसेंट के हिसाब से तो साल का तीन सौ तेरह टक्का होता है यहाँ पे तीन सौ अस्सी है यानी कि दस से ऊपर है लेकिन हम क्या कहते हैं पांच परसेंट से अठारह परसेंट के रेंज में आएगा गारंटी है क्या बिल्कुल नहीं लेकिन हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है जो हम शेयर करना चाहते हैं और हम ये भी कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट क्यों कहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट किसी के भी कंट्रोल में नहीं और ये स्टेटमेंट अगर मैं नहीं मारू तो कहीं ना कहीं लीगल स्टैंड पॉइंट पे एक दिक्कत हो सकती है और हम नहीं चाहते कि ये जो ब्लिस ये जो ब्लेसिंग आपको मिली आएक्स के रूप में चाहे एजुकेशन या ऑटोमेशन जिस भी हिसाब से आप ले रहे हो तो दिस वोट बी अ अव मिनट अंडर फॉर यू दिस शुड बी अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट इज वाई हम एक एक चीज का टेक केयर कर रहे हैं जिसके चलते आप और कंपनी कोई भी लीगल ग्लिच में नहीं आए डॉक्यूमेंट पे डे वन से हमको स्ट्रांग रहना है मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं दोस्तों पोजीशनिंग की जैसे मैंने बात करा था स्टार्टिंग में आई क्या है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम जान लेते बैकग्राउंड दोस्तों बैकग्राउंड जानने से पहले पोजिशनिंग जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे हम वो भी डिस्कस कर रहे थे कि फॉरेक्स के बारे में शायद किसी को अभी ज्यादा पता नहीं है ये कुछ लोगों को नेगेटिव भी लगता होगा कुछ लोग को पॉजिटिव भी लगता होगा पॉजिटिव क्यों है मेरे हिसाब से ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा दो या फिर आप पकड़ सकते हो नाइनटीन में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में नहीं आई थी जब इंडिया में नई आई थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उस समय काफी कंपनीज आई थी जिसमें से अभी भी कुछ कंपनीज चल रही है हो सकता है बीस साल से ऊपर हुआ है जो नाम नहीं लेना सही होगा लेकिन उस समय हेल्थ के प्रोडक्ट्स थे अभी भी है हेल्थ के प्रोडक्ट्स लेकिन उस समय से उन्होंने स्टार्ट कर लिया था दोस्तों आप सोचो नाइनटीन में हेल्थ सप्लीमेंट कौन खाता था किसी को इसके बारे में अवेयरनेस थी भी क्या बिल्कुल नहीं थी अभी भी हेल्थ सप्लीमेंट्स आप अगर लोगों को जाकर के बताओगे वो कहेंगे हमारे गांव में मेरे पापा ने मेरे दादाजी ने किसी ने नहीं लिया मैं तो तंदुरुस्त हूँ मैं भी मेरे पूर्वज तंदुरुस्त थे मैं भी तंदुरुस्त ही रहूंगा अगर इस समय इतना आप कह सकते हो लिमिटेशन है या लिमिटिंग बिलीफ है तो सोचो 97 में उन लोगों को क्या दिक्कत हुई जिन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन दोस्तों उनको पता था कि ट्रेंड फॉलोअर और ट्रेंड सेटर होने में बहुत फर्क होता है तो दे वेंट बाय द सेकेंड कैटेगरी जिसमें ट्रेंड सेटर बने वो लोग और वो लोग ने वेलनेस तब प्रमोट किया जब किसी को पता भी नहीं था अभी भी इनफैक्ट इतनी अवेयरनेस नहीं है आज आज जो लोग सही कंपनी चूज करके उस का लेवरेज ले पाए आज वो है दोस्तों मंथली थर्टी फाइव टू फोर्टी लैक्स का चेक ले रहे हैं उनका नेटवर्थ लगभग आप पकड़ लो बीस करोड़ से ज्यादा है जो की फिल्म स्टार्स के भी नहीं होते कुछ, कुछ 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 के होते भी है लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना कोई रिस्क है ना कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत है उसमें अगर इतना आप नेटवर्थ बना सकते हो नेटवर्थ का मतलब आपका लोन माइनस आपका एसेट जो कि आपका रियल में मनी आपने बनाया हुआ है है 20 करोड़ से ऊपर बनाया लोगों ने मिनिमम बोल रहा मैं दोस्तों जो लोग तब से टिके है काम करे कमिटेड है और कुछ लोग अभी भी कर्जे में जो तब से हेल्थ बेस्ट कंपनी में भी स्टार्ट किए थे तो पोजिशनिंग का तो आपको एडवांटेज पता चल ही गया होगा लेकिन एक क्वेश्चन आपके मनी मन आ रहा होगा कि पोजिशनिंग तो उन्होंने भी करी थी तो वो लोग कर्जे में क्यों है और कुछ लोग बीस करोड़ से ऊपर क्यों बना चुके हैं सिंपल सा रीजन है दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट एंड द बैकबोन ऑफ द कंपनी द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी कंपनी किस एथिक्स पे बनी हुई है उसके ऊपर डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत मैटर करती बैकग्राउंड का मतलब क्या बैकग्राउंड में कुछ लोगों नेटवर्कर थे उन्होंने कंपनी शुरू कर दी नेटवर्कर कंपनी शुरू कर सकता है शुरू तो आप भी कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं गवर्नमेंट तो हर एक व्यक्ति को राइट देती कंपनी शुरू करने का उसमें कोई आ, वो नहीं है लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए तजुर्बा होना बहुत जरूरी है नेटवर्किंग का भी और कॉरपोरेट का भी अगर आपके पास कॉर्पोरेट का तजुर्बा नहीं है यानी कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रन करते हैं उसका तजुर्बा बिल्कुल नहीं है तो कहीं ना कहीं फेल होने की संभावना है बहुत ज्यादा है जो कि लाइव एग्जांपल हम देख सकते हैं नाइनटी सेवन से लेकिन अब तक क्या हुआ जिसके चलते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को काफी लोग नेगेटिव वे से देखते है आप लोग इससे अग्री डेफिनेटली करोगे लेकिन अगर पॉजिटिव स्टोरीज भी है इस इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं हम वो एजुकेशन खुद में ले ले कि वहां पर क्या चीजें थी और क्या चीजें पोजिशनिंग के साथ बैकग्राउंड में होनी चाहिए तो पोजिशनिंग के साथ बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए दोस्तों एक तो कॉम्पेसन प्लान अच्छा खासा रिवॉर्डिंग होना चाहिए अपॉर्चुनिटी का स्वीट टाइमिंग होना चाहिए मैनेजमेंट बैकग्राउंड जो है वो एक तरह से उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए अगर उनका ही प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है मैं कह रहा हूँ हो सकता है होगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो लोग हो सकता है बीच में सुधर जाए और अच्छा काम भी कर ले या फिर सेम स्टोरी रिपीट करती है जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मेरे हिसाब से तो कंपेंसेशन प्लान दोस्तों आईएक्स का कितना रिवॉर्डिंग है इसको मेरे को बताने का जरूरत नहीं है कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में जब सत्रह से अठारह लोग अगर एक लाख ,00 से ज्यादा बनाते सिर्फ हमारे फिफ्थ पिलर से जिसको हम प्लान कहते हैं तो कहीं ना कहीं कंपेंसेशन प्लान में तो दम है हमारे सबसे ज्यादा लोग कौन से रैंक में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि ऊपर वाले लोग बहुत पैसा बनाते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर 80 से ज्यादा लोग चाहूंगा कंपनी वाकई में किसके ऊपर फोकस कर रही है चालीस हजार रुपया भी पकड़ते उससे ज्यादा भी नहीं पकड़ते अगर 80 लोग बना रहे तो दोस्तों कितना हुआ 32 लाख रुपया बटा बॉटम में वीआईपी हंड्रेड को तो मैंने पकड़ा ही नहीं अब तक लेकिन बत्तीस लाख रुपया टॉप लेवल पे दोस्तों सबसे इंडिया में मेरी है और आप पकड़ लो कि चार लाख से ऊपर जो है इंडिया में लगभग चार लोग बना रहे तो अगर मेरा पे आउट आप पकड़ लो महीने का यहाँ से जो है नेटवर्किंग से सिर्फ वो ग्यारह लाख और चार लाख से ऊपर दो लोग बना रहे तो दोस्तों 19 लाख अब मेरा सवाल आपसे दोस्तों 19 लाख ज्यादा है या फिर 32 लाख ज्यादा है डेफिनेटली 32 लाख ज्यादा है मैंने तो मिड लेवल की बात करी सबसे बॉटम में होते हमारे वीआईपी 100 अगर वीआईपी 100 का हम हिसाब लगाएं ना कम से कम हमारे टीम में दोस्तों एक अंदाजा नगर पकड़े तो भी 150 वीआईपी 100s ढाई सौ वीआईपी हंड्रेड यानी कि आप पकड़ लो दस हजार रुपया बढ़ता है ढाई सौ लोगो में तो और पच्चीस लाख रुपया हो गया दोस्तों तो पच्चीस लाख प्लस बत्तीस लाख यानी कि आप एक कॉमन सेंस वाली ये बात है कि सबसे ज्यादा पैसा यानी फिफ्टी सेवन लाख रूपीज कंपनी कहाँ बांट रही है नीचे बांट रही है और हम लोगों को कितना बांट रही है कंपनी उन्नीस लाख तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेन इट सेल्फ इज प्रोमिनें जो बताता है कि सबसे ज्यादा पैसा हम बॉटम में बांट रहे हैं, जिसके वजह से आप को कम दिक्कत हो, में पैसा कमाने, वो बैकग्राउंड की बताई थी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जो मार्टिनेस जो मार्टिनेस जो है उनको कॉपरेट का छह साल का तजुर्बा है छह साल का तजुर्बा मतलब ऐसा ही नहीं कि जो खुद का ही कॉपरेट बना के चला रहे थे बिलियन डॉलर कंपनीज एक एक अगर बिलियन डॉलर व्यक्ति है वो कोई ऐसे अपने दोस्त से या अपने कोई ऐसे सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस नहीं लेता जो बिलियन डॉलर व्यक्ति वो सही से समझता है कि बिजनेस की समझ किसको है तो उसी व्यक्ति से वो सलाह लेता है तो ऐसे बिलियन डॉलर कंपनीज को पिछले छह साल से वो कंसल्ट कर रहे हैं छह साल से कंसल्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉपोरेट का भी उनको तजुर्बा बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ कॉपरेट का यदि तजुर्बा रहे तो काफी कंपनीज आप देख सकते हो जहां पर ट का सिर्फ तजुर्बा होने के वजह से कॉपरेट के गोल और डिस्ट्रीब्यूटर के गोल अलाइन नहीं होते मैच नहीं होते जो मार्टिनेस ने अपना करियर यानी कि 11 साल लगभग डिस्ट्रीब्यूटर काम करा है जिसमें उन्होंने 102 करोड़ रुपया बनाया जो बंदा बन 102 करोड़ रुपया बनाता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे हैंडल करना या उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना या उनको कैसे एम्पावर करना ये चीज आती है इसीलिए वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर

कंपनी बैकग्राउंड कितना है वो बता दिया। और लास्ट बट नॉट द जिसमें सबसे यूनिक पार्ट ये है कि यदि आप फिफ्थ पिलर में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हो तो भी इस प्रोडक्ट्स और इस सर्विसेज से इतना पोटेंशियल है कि आप पैसा बना सकते हो लेकिन ये विजन ध्यान में रखे कि आगे अगर आप जो है इसमें आ, अगर आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एजुकेशन एक महीने में आपको नहीं ले सकते आप पूरा का पूरा हो सकता है प्रॉफिटेबल हो जाओ एक महीने में लेकिन कोई भी कोर्स आप स्कूल की भी याद कर लो सत्रह साल आपको लगे थे तो यहाँ पर एटलीस्ट आप जो है कम से कम छह आठ महीने का कमिटमेंट दीजिए यदि आप ट्रेडिंग का नीचे निकालना चाहते है और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं काफी अकाउंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ सकते हो कि एजुकेशन लेने का क्या पोटेंशियल हो सकता है ये कुछ अकाउंट है दोस्तों पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेरे अकाउंट से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ये विराज पाटिल लिखा हुआ है यहाँ पर अः तारीख से ट्रेडिंग हो रही है इसमें आज पच्चीस आज छब्बीस है आई गेस चौदह सौ डॉलर में अगर 345 लग, बनता है, इसमें दोस्तों से केवल दो महीने में, तो में मुझे ट्रेडिंग के लिए इतना टाइम नहीं होता उसके बावजूद अगर थ्री फोर्टी फाइव डॉलर बन रहा है ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा बन रहा है इतने कम समय में वो भी लगभग एक वीक में तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में पावर है लेकिन ये चीज ध्यान में रखना आप ये जो सारा एजुकेशन है मैं फॉरेक्स के साथ पिछले अठारह महीने से जुड़ा हुआ तो मेरे लिए हो सकता है थोड़ा सा रिलेटिवली तो जैसे, जैसे देखा आपने टीपी ग्लोबल का इसमें कस्टम पीरियड लगाता हूं मैं फोर्थ ऑफ जून से लगाते हम वीक स्टार्टिंग है इसीलिए फोर्टीन एटी एट डॉलर बनाया मैंने दोस्तों दो हजार डॉलर का है ये तो डॉलर मेरे हिसाब अच्छा तो कोई दिखाता नहीं है इसमें आप देखोगे ये भी जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया है इसमें ओपन पोजिशन जीरो है ओपन पोजिशन अगर एटी रखा के मैं अगर फिफ्टी गेन दिखाऊँ तो मैं बेवकूफ बना रहा हूँ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है ओपन पोजिशन सार जीरो इसके तहत भी अकाउंट इतना प्लस में जो कि रियल टाइम ट्रेडिंग है और रियल टाइम गेन है तो रिटर्न तो काफी अच्छा आ सकता है कोई दो राय नहीं अलग अलग स्ट्रेटेजीज है लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लीजिए ट्रेडिंग के लिए इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना सीखिए एक एक चीज को प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक्टिव अपलाइन यानी कि जो फाइव एंड अब वाले अपलाइन है उनके साथ कंसल्टेशन में रहिए

कर है लेकिन गाइडेंस ऐसे सही व्यक्ति से लेना और ऐसे मीटिंग्स हमारी चलती रहती जिसमें आपको गाइडेंस मिलते रहेगा ताकि आप एक चीज से एंश्योर कर सको कि आप सही ट्रैक पे हो सही चीजें फॉलो कर रहे हो या नहीं आपका जो भी गोल है आईएक्स में आने से पहले या आईएक्स में आने के बाद गोल बोलो या प्रॉब्लम बोलो जो भी है हम यह नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको बिजनेस करना है कि आपको ट्रेडिंग करना है

के एक्टिव 500 एंड अबव अपलाइन के साथ करिए गेम प्लान कीजिएगा दोनों भी पर्सपेक्टिव में वो आपको मेंटर कर सकते हैं अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी करना है तो उसके बिना भी वो पैसा कैसे आप कमा सकते हो या फिर अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उसके भी कॉम्बिनेशन वाला वो स्ट्रेटजी या ब्लूप्रिंट आपके लिए बना सकते हैं और मिलकर के जो है आप वो उनके अपलाइन और मैं हम सब मिलके एज सिस्टम एक दूसरे को एम्पावर करके वहां तक पहुंचाने का उद्देश्य रखते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट इट यही बताना था